پرندوں کا آؤ دیکھ تاریخ سفر آؤ دیکھ تاریخ سفر اللہ کے بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت शिकायत ना करते अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर سفر آؤ دیکھ تاریخ سفر اللہ کے بندوں کا وہ عظیم گزشتہ وقت جلدی جلدی ایلائزر ہم نے اپنے اونٹوں کو تھکا کر لگ بھگ مار ہی دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم ہاران پہنچ جائیں کیا اونٹوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہوئے ہم وہاں پیدل ہی پہنچ جائیں گے ہمارے آقا ابراہیم اور ان کا خدا ہمارے ساتھ ہیں وہ آسانیاں فراہم کریں گے مجھے تو بالکل نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا کیا وہ ہمیں تازہ دم اونٹ دے پائیں گے یہ ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم ہاران کے باہری حصے تک پہنچ چکے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے اونٹوں کو یہی مالک کی نگہبانی میں چھوڑ دو ابراہیم کے خدا میری مدد فرما آج میرا کام آسان بنا دے اور میرے آقا ابراہیم کے حق میں فیصلہ فرما میں کنویں کے پاس کھڑا ہوا ہوں
जहाँ शहर की बहू बेटियां पानी लेने आती हैं। काश वो लड़की जिससे मैं कहूँ कि अपना मटका झुकाओ ताकि मैं पी लूँ, जवाब मिले पी लीजिए और मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी। काश वो वही लड़की हो जिसे तूने चुना है अपने गुलाम इस हक के लिए, और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने मेरे आका इब्राहिम की मदद फरमाई है। मैं इल्तिजा करूंगा मोहतरमा, मुझे अपने मटके से जरा सा पानी पिला दीजिए। जी अच्छा, पीजिए मोहतरम। मैं आपके ऊँटों के लिए भी पानी भर लाऊंगी उनकी प्यास बुझने तक। शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्र। चुनांचे इसहाक ले गया रबीका को अपनी माँ के खेमे में और उसने उससे शादी कर ली, और उसने अपनी माँ के मरने के बाद राहत हासिल की। इसहाक मोहब्बत करता था अपनी बीवी रबीका से। खुदा ने करम फरमाते हुए उसे मवेशी, कुएं और गुलाम अता किए। उसके वालिद इब्राहिम की बदौलत रबीका 20 साल तक बांझ रही। इसहाक ने खुदा से दुआ की अपनी बीवी की खातिर, तो उसके जुड़वा औलाद हुई। याकूब, हाँ माजान, यहाँ आओ, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। फिलहाल नहीं आ सकता अम्मा। फिर कब? याकूब खेमा लगाने में मदद कर रहा है। आपको जो मदद चाहिए वो मदद हाजिर है। अपनी माँ के पास जाओ कमजोर माँ के बेटे, शायद उसे तुम्हारी भी जरूरत है खेमे में झाड़ू देने के लिए, और जूतियों से धूल भी झाड़ दो, या शायद फटे कपड़े भी सीने हो। जाओ यीशु, बस करो याकूब, तुम जाओ अपनी माँ के पास। यीशु, क्या तुम समझते हो कि शिकार करना इंसान को अक्लमंद बनाता है? शिकार करना इंसान को अक्लमंद और दौलतमंद बनाता है। अच्छा तो तुम्हारी सोच ये है? जाओ याकूब, बावर्ची खाने के धुएं की महक तुम्हारे अंदर फंस गई है, आटा गूंदने से तुम्हारे हाथ सूज गए हैं। जाओ। ये अहम नहीं है, अहम यह है कि मैं अपना दिमाग इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन ये दिल ही है जो दिमाग को ताकत पहुंचाता है, लिहाजा दिल के बगैर फिर दिमाग कहाँ होगा।
ना तो दिमाग और ना ही दिल तुम्हें बेहतर बनाएगा। आपका मतलब क्या है बाजान? जैसा कि तुम्हारे दादा इब्राहिम ने तुमसे कहा था, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हारे खुदा के लिए क्या अहम है, तो तुम्हें पहले पहचाननी होगी खुदा की आवाज। उसकी आवाज की फरमाबरदारी से हर चीज अहम हो जाती है। याकूब, जाओ। अगर तुम माँ की फरमाबरदारी नहीं कर सकते हो तो खुदा की कैसे करोगे? जाओ उसके पास जाओ। चुप रहो यीशु। मैं बड़ा हूँ, अपने बाप की पहलौठी की औलाद। मुझे दिखाओ तुम्हारे पहलौठे के हक का तुम क्या करोगे? मेरी बादशाहत होगी जहाँ तक तुम्हारी आंखें देख सकती हैं। बहुत हो गया यीशु। अब जाओ याकूब और अपनी अम्मी जान का हुक्म बजाना। जाओ मेरे बेटे। हाँ बजान, अब मैं जाऊंगा। अब तुम जाओ अपनी अम्मी के मुंह चढ़े लाडले। यीशु, तुम दोनों में आखिर बनती क्यों नहीं? वो कमजोर दिल शख्स है, वो नर्म दिल इंसान है। उसका दिल खातूनों जैसा है। नर्म दिल कुम्हार के हाथों की मिट्टी की तरह है और कुम्हार उसे फायदेमंद शक्ल दे सकता है या फिर वो दो अच्छे सैंडल खराब कर सकता है। अम्मी। हाँ मैं यहाँ हूँ। तुम्हें क्या चाहिए माँ? मेरी ख्वाहिश है कि तुम ये खीर बना दो। लेकिन मैं ये कैसे बनाऊँ? देखो इस तरह, ठीक है? ठीक है अम्मी। रेबका। हाँ मैं यहाँ अंदर हूँ। मैं तुमसे अपने बच्चों के बारे में बात करना चाहता हूँ। अच्छा जरा बैठ जाओ। मैं वाकिफ हूँ इसहाक की तुम याकूब के मुकाबले ज्यादा चाहते हो यीशु को। रेबका तुम याकूब को संभालो, वो मर्द है और उसे मर्दों जैसे काम ही करने चाहिए। जैसे कि शिकार? हाँ जैसे शिकार। तुम हमेशा अपने भाई इस्माइल के बारे में बोलते हो कि वो तुम्हारे बाप का कितना चहेता था, तीरंदाजी में मशहूर था। देखो अगर मेरा ख्याल पूछो तो मुझे लगता है कि तुम बनाना चाहते हो यीशु को दूसरा इस्माइल। देखो तुम याकूब को उसके हाल पे छोड़ दो, याकूब को अपने साथ रखो, उसे सिखाओ। वो ज़हीन लड़का है, तुम कोशिश करो वो जल्दी सीख सकता है। मैं कोशिश कर चुका हूँ। तुम्हें याद है इसहाक, आका ने मुझ पर क्या इंकिशाफ किया था? जब मैं हामिला थी, तुम्हारे शिकम में दो कौमें पल रही हैं, जिससे दो कबीले वजूद में आएंगे। एक के मुकाबले में दूसरा ज्यादा ताकतवर होगा और बड़े छोटों की खिदमत करेंगे। मुझे पेशीन गोई का इल्म है, तुम हमेशा उसे दोहराती रहती हो, याकूब के सामने भी। खुदा ने हमारे जुड़वा के बारे में उनकी पैदाइश पर बता दिया था। मुझे नहीं लगता कि इसे बार बार याकूब के सामने बोलना ठीक है, क्योंकि वो ये बात याकूब को उकसाएगी कि वो खुद को अपने भाई से बेहतर बनाए। वो जुड़वा जरूर है मगर दोनों ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब्बा मैंने आपके लिए हिरन का बेहतरीन गोश्त तैयार किया है, मैंने ऐसा गोश्त कभी नहीं चखा, मुझे यकीन है आप भरपूर लुत्फ उठाएंगे। भाई वाह मजा आ गया, देखा तुमने? मैं देख रही हूँ कि आप बच्चों के दरमियान फर्क करते हैं और यही बात आखिर में आपके खिलाफ जाएगी। ज्यादा कारामत कौन है, वो जो खाना पकाए या फिर वो जो शिकार करे? दोनों ही अहम है। क्या बात है, मैंने दुनिया की ज़हीन तरीन खातून से शादी की है। मैंने खीर बना ली। खुदा तुम्हारे हाथों में बरकत दे। मैंने आप दोनों की बातें सुन ली हैं। माफ करना याकूब, तुमने अपने वालिद की बातें सुन ही ली।
जानती हो अम्मी, यीशु को कुछ भी नहीं आता है सिवाय शिकार और तकरार के। याकूब, तुम्हारे वालिद अमन पसंद इंसान है, वो मुकाबला आराई पसंद नहीं करते। और यीशु उन्हें हिफाजत देता है, क्या ये सही नहीं है? ज्यादा बढ़ाओ चढ़ाओ मत। मुझे मालूम है मेरे वालिद जो भी कुआं खोदते हैं वो यूं ही छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इसके लिए झगड़ा खड़ा करना नहीं चाहते। याकूब, अगर यहाँ से हट जाने से झगड़े का मुंह काला हो सकता है तो टल जाना बेहतर है। तुम्हारे वालिद सीधे साधे इंसान हैं, उनका शौक और जरूरतें सादा हैं। वो अकेले बेटे थे और मेरे दादा इब्राहिम ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो वो चाहते थे। तुम्हारे दादा की निगरानी में पले बड़े। अम्मी, मैं किसी के तहत रहना नहीं चाहता, मैं अपने दादा जैसा बनना चाहता हूँ। याकूब, होशियार रहना जो भी तुम कह रहे हो। तुम्हारे दादा और वालिद आजमाइशों से गुजरे हैं। कौन सी आजमाइश? एक बाप से कहा गया अपने बेटे की कुर्बानी देने को। मेरे आका इसहाक, मेरे आका इसहाक, मेरे आका इसहाक, यीशु, याकूब, आओ तुम सब आ जाओ। क्या हुआ अलीअज़र, क्या हुआ? मेरे आका इब्राहिम, आपके वालिद, उनका इंतकाल हो गया, क्या ऐसा ही हुआ? ये क्या हो गया? मुझे इस्माइल से मिलना है। आइए अब्बा हुजूर, मुझे इस्माइल की जरूरत है। मेरी वालिदा के मरने पर वालिद साहब ने एक कब्रिस्तानी गार खरीदी थी, मखफिला यहाँ हिब्रून में। बस यही कुल मिल्कियत है? नहीं नहीं, उन्होंने गार के साथ साथ सामने वाला मैदान भी खरीदा था। मैदान और गार, बस यही सब कुछ है? कहाँ हैं इसहाक और इस्माइल? हम हाजिर हैं। आरामदेह कमरे में। मैं जाकर उन्हें बुलाता हूँ। मेरे आका इसहाक अलीअज़र कहते हैं कि हम तैयार हैं। चलो भाई चलें। वो आ रहे हैं।
सही कहा आपने। उन्हें जिंदा हो जावेद की हैसियत से याद रखा जाए, यही बेहतर है। यही है, यही वो जगह है। यही वो कुर्बान गाह है जहां मेरे वालिद ने मेरी कुर्बानी पेश की थी। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हमारे बाप इब्राहिम ने ये सब कैसे कर लिया। जब खुदा का हुक्म हमारे बाप को मिला, उन्होंने फरमा बरदारी की। मेरे 12 बेटे हैं, मेरी रूह एक को भी छूने की हिम्मत नहीं कर सकती। लेकिन इब्राहिम के लिए खुदा का हुक्म सबसे अफजल है, चाहे अपने बेटे की कुर्बानी ही क्यों ना देनी पड़े। यह बहुत मुश्किल है। जब अब्बा जान ने तुम्हें और मां को उस दिन घर से दूर भेज दिया था, मैंने देखा मेरे वालिद दिल बर्दाश्ता थे, वो अपने आंसू छुपाना चाह रहे थे। उन्होंने हुक्म खुदा पर तुम्हें कुर्बान किया। ये नाकाबिले बर्दाश्त था और जुदाई गमंगेज। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। हाँ, मुझे इल्म है। मेरे खुदा हाफिज कहने पर तुम्हारा चेहरा गमगीन था। उस दिन तुम्हें खुदा हाफिज कहते हुए कलेजा मुंह को आ रहा था। मैं तुम्हारी कमी शिद्दत से महसूस कर रहा था इस्माइल। खुदा ना करे कि मैं तुम्हारी जगह हूं इसहाक। जहां तक मेरा ताल्लुक है, खुदा ने मुझे 12 सेहतमंद तवाना बेटे दिए हैं। मैं हर रोज उसका शुक्र अदा करता हूं। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए कितनी राहत बख्श है इस्माइल। हाँ, तुम्हारा साथ भी किस कदर राहत इजा है इसहाक। अपने वालिद और तुम्हारे बीच अपनी गैर मौजूदगी का अफसोस रहा। खुदा तुम्हारे तमाम कामों में तुम्हारी रहबरी फरमाए। वो तुम पर भी इनायत की नजर फरमाए मेरे भाई। खैर हो आपके सफर की। तारीख सफर, आओ देखे तारीख सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो